हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, यूनेस्को की जो विश्व विरासत पहले कितनी थी हमारी, क्या थी, 42 थी। कितनी थी? 42 थी। ठीक है, एक मिनट, पहले हमारी कितनी थी, 40 थी। टोटल कितनी थी, 40 थी। ठीक है, कितनी थी, 40 थी हमारी, 40 विश्व विरासत थी। अब कितनी हो गई हैं, 42 हो गई हैं। ठीक है, कितनी हो चुकी हैं, 42 हो चुकी हैं। ठीक है, 42 हो चुकी, जो नई जुड़ी हैं अभी सितंबर 2023 में ही जुड़ी हैं। ठीक है, सितंबर 2023 में जुड़ी हैं। कब जुड़ी हैं, सितंबर 2023 में। तो आज पूरा डिटेल से हम देखेंगे अपनी 42 जो हमारी हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कि रहने दूँ, यही कलर सही है। ठीक है, यही रहने दीजिए। ठीक, चलिए। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अब तक कितना, 42, कितने हो चुके हैं, 42 हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय स्थल इसमें कितने, भारतीय जो स्थल हैं वो कितने शामिल हैं, देखिए 41वीं हमारी कौन सी बनी है, शांति निकेतन। शांति निकेतन 41वीं बनी है। ठीक है, शांति निकेतन 41वीं कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और हमारी जो 42वीं कौन सी है, होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ठीक है, होयसल के पवित्र मंदिर जो हमारे कहाँ, कर्नाटक में पड़ते हैं। सितंबर 2023 में ये दोनों ऐड हुई हैं, याद रखना है, सितंबर 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हैं, करंट अफेयर की क्लास हम लोग कंटिन्यूस में देखते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो आप लोग उन सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे क्या है, 19, अब हम लोग देखते हैं 1983 में। 1983 में देखिए चार स्थल को ऐड किया गया था, कौन कौन से, जितना भी है आज हम सबको कवर करेंगे यहाँ पे, विश्व विरासत जो भारत के हैं सबको। आगरा, आगरा में चार स्थल हुए थे, आगरा का किला जो यूपी में पड़ता है, ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये भी, और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये भी हमारी 1983 में ऐड हुई थी। याद हो गया, याद हुआ कि नहीं, आगरा का किला यूपी में पड़ता है, ताजमहल यूपी में पड़ता है, अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र में, लेकिन ये सभी ऐड कब हुए थे, तो ये सभी ऐड हुए थे 1983 में, याद रहेगा 1983 में। ठीक है, कब, 1983 में। ठीक, अगला देखिए, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने, अगला है 1984 में। 1984 में दो स्थल को, कौन कौन सा, एक महाबलीपुरम, देखिए महाबलीपुरम जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ, उड़ीसा में, 1984 में, और महाबलीपुरम तमिलनाडु वाला भी 1984 में, ये 1984 में। चार हमारे 1983 में कौन कौन से, आगरा का किला, ताजमहल 1983 में ऐड हुए थे, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये भी हमारी जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये भी हमारी कब, 1983 में। 1984 वाला जो है महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 1985 में। देखिए सारी चीज़ें मैं यहीं पे कवर कर दूंगा आज। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि सारे यहीं पे बिजबिल हों। ठीक, 1985 में देखिए, 1985 में एक एक लाइन आप देखते हैं, 1985 में आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बहुत बेहतरीन नोट्स आप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में, 1985 में ऐड हो गया था। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ, राजस्थान में पड़ता है, और 1985 में ऐड हो गया। यहाँ से आपका केवलादेव कहाँ पर पड़ता है, काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और मानस, मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी हमारा असम में पड़ता है 1985 में। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सभी हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, ये सभी हमारे जो है 1985 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किए गए थे। ठीक, अगला जाइए 86 में। 86 देखिए, 86 वाला, 86 में गोवा का जो चर्च कामबेर है, ठीक है, का गोवा का चर्च कामवेर जो है वो हमारा कहाँ, गोवा में पड़ता है, नाम से ही पता कर लीजिएगा। ठीक है, 1986 में ऐड हुआ था, और 1986 में ही फतेहपुर सिकरी जो यूपी में पड़ता है, जिसको कौन बनवाया था, फतेहपुर सिकरी को गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी हमारा कहाँ पे है, यूपी में, और ये 1986 में ऐड हुआ था। हम्पी के स्मारक जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी का जो स्मारक है वो कहाँ पे, कर्नाटक में। खजुराहो का कंदरिया देव महादेव का मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है, वहीं खजुराहो के पास ही है, वो भी हमारा एमपी में। ठीक है, एमपी में, ये भी हमारा 1986 में, खजुराहो जो एमपी है में पड़ता है ये कहाँ पे है, 1986 में। हम्पी का स्मारक जो है कर्नाटक में 1986 में, फतेहपुर सिकरी यूपी में 1986 में, गोवा का चर्च कामवेर जो है वो भी 1986 में। ठीक है, चार स्थल विश्व विरासत घोषित किए गए थे। अब इधर आ जाइए 1987 में। 1987 में देखिए, 1987 में भी चार स्थल, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे पड़ती हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987 में ऐड हुई थी। ठीक है,
चोल मंदिर, चोल मंदिर, ठीक है। चोल मंदिर हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पट्टदकल स्मारक जो हमारा कहाँ पे है, कर्नाटक में पड़ता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल है। दो नदियों के मिलन से हमारा क्या बनता है, सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान बनता है। वहाँ पे कौन को, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पट्टदकल स्मारक कहाँ, कर्नाटक में है। चोल का मंदिर तमिलनाडु में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, सभी 1987 में ऐड हुई थी, ठीक है। 1988 में देखिए नंदा देवी जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड, यह ऐड हुआ था, ठीक, 18वें क्रम का, ठीक है। 18वें क्रम का हमारा कौन सा, नंदा देवी जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में 1988 में क्या हुआ था, ऐड हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं आराम से ले लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ले लीजिए। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला है जो है 1900, कब का, 1989, ठीक है। 1989 में देखिए क्या कह रहा है कि 1989 में एक हमारा ऐड हुआ था, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश। 1989 में विश्व विरासत स्थल में क्या हुआ था, ऐड हुआ था, ठीक, 1993 में। अब देखिए 1993 में दो स्थल हुए थे, हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे हमारा, दिल्ली में, ठीक है, और कुतुब मीनार हमारा ये भी कहाँ पे, दिल्ली में। ये दोनों हमारा कब ऐड हुए थे, 1993 में। 1993 में हमारा हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, नींव किसने रखी थी, तो नींव जो है इसकी जो है कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया, तो पूर्ण इसको करवाया जो है इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसकी पांचवीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, ये दोनों हमारे विश्व विरासत में शामिल हुए थे। 1999 में भारत का जो पर्वतीय रेलवे है जो जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ये ऐड हुआ था, ठीक है। और 2002 में महाबोधि मंदिर जो कहाँ पे, बिहार में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं जो हमारी एमपी में है 2003 में, ठीक है, 2003 में भीमबेटका की गुफाएं, 2002 में महाबोधि मंदिर, 1999 में भारत का पर्वतीय रेलवे जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, यह ऐड हुआ था, ठीक। आगे देखिए 2004 में कौन ऐड हुआ था, 2004 में 25वें क्रम का हुआ चंपानेर। चंपानेर में पुरातत्व उद्यान जो है वो हमारा कहाँ पे, चंपानेर हमारा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये 25वें क्रम का था। फिर उसी समय 2004 में ही हमारा जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो हमारा कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है, यह ऐड हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का जो टर्मिनल है यह ऐड हुआ था। और 2007 में 27वें क्रम का लाल किला जो दिल्ली में पड़ता है वह, और 2010 में जो है जंतर मंतर राजस्थान, जो जंतर मंतर राजस्थान में पड़ता है, दिल्ली वाला नहीं, राजस्थान वाला जंतर मंतर हमारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ठीक, 2010 में, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ, राजस्थान वाला 2010 में, ठीक, लाल किला 2007 में। आगे आ जाइए, अब आ गया आपका 2012 में। देखिए 2012 में पश्चिमी घाट जो हमारा ये वाला एरिया पड़ता है, ठीक है, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुजरात से लेकर के हमारा तमिलनाडु तक का एरिया जो हमारा क्या होता है, ये गुजरात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया को हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये हमारा कहाँ, ये विश्व विरासत 2012 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा 2013 वाला, 2013 वाला राजस्थान का जो पहाड़ी किला है उसको घोषित किया गया था। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हमारा हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन हिमालयन नेशनल पार्क जो हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रानी की बाव, रानी की बाव जो हमारा गुजरात में है, रानी की बाव हमारा कहाँ, गुजरात में, ठीक है, रानी की बाव हमारा कहाँ, गुजरात में है, ठीक। आगे आ जाइए, चलते हैं आगे। अगला हमारा 2016 में कौन कौन से, 31वां, 33वां, 34वां और 35वां, तीन ऐड हुए थे। नालंदा का महाविहार जो कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, या क्या मिक्स्ड है, ठीक है, प्राकृतिक भी है और कैसी है, आर्टिफिशियल भी है। ली कॉर्बुजियर के वास्तु जो, ली कॉर्बुजियर के वास्तुशिल्प जो चंडीगढ़, चंडीगढ़ का निर्माण किसने किया था, वास्तुकार कौन था, तो ली कॉर्बुजियर था। इसको भी चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था, वास्तुशिल्प जो बनाया था वहाँ का जो है, वहाँ की बिल्डिंग, उसको उसको भी हम लोग विश्व विरासत स्थल घोषित किए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला पॉइंट है हम लोगों का 2017 में, 2017 में, 2017 में थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आप लोगों को अच्छे से रहे, ठीक है। 2017 में छत्तीसवें अहमदाबाद शहर, शहर में दो शहर हम ऐड किए हैं, एक अहमदाबाद को, एक जयपुर को, ठीक है। अहमदाबाद को 1917 में गुजरात में है जो है, और 2018 में जो है विक्टोरिया गोथिन आर्ट डेको जिसको बोलते हैं मुंबई महाराष्ट्र का है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और जयपुर, दो शहर हमारे हैं, एक जयपुर है और एक अहमदाबाद जो गुजरात में, जयपुर राजस्थान का। तो दो शहर भी याद रखिएगा, दो शहर कौन कौन से पूछ देगा, दो शहर कौन कौन से जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तो गुजरात है, एक हमारा अहमदाबाद
बाद है, ठीक, सॉरी, एक जयपुर है और एक हमारा अहमदाबाद है। फिर 2021 में हमारा धौलावीरा जो गुजरात वाला 39वें क्रम का बना था, और 40वें क्रम का जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना रामप्पा मंदिर बना था, ठीक है। और अभी 41वां आप लोग को पता है शांति निकेतन जो हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है वह हुआ है। 42वां हमारा कौन सा, होयसल का मंदिर जो हमारा कहाँ कर्नाटक में पड़ता है उसको बनाया गया है, ठीक है। होयसल का मंदिर कर्नाटक में और शांति निकेतन 41वें क्रम का जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल, मैंने ऊपर ही बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये विश्व विरासत स्थल जो थे वो समाप्त हुए। आइए कुछ अवार्ड हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक, अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें को, ये सभी करंट से रिलेटेड हैं, एकदम महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। IIFA आईफा जिसको बोलते हैं आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड संस्करण कौन सा था, तो संस्करण हमारा कौन सा था, 23वां संस्करण था। 23वां संस्करण था कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ, ठीक है, अबू धाबी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 थी, ठीक है। आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण था, 23वां संस्करण था, कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ, ठीक है। कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सी, दृश्यम थी, ठीक है, दृश्यम थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, ठीक है, इनकी फिल्म कौन थी, विधुम वेधा थी, ठीक है, विभूम वेधा थी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो आलिया भट्ट थी, आलिया भट्ट गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है, गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आईफा अवार्ड मिला, ठीक है। और सहायक अभिनेत्री कौन थी, मौनी राय, ठीक है, ब्रह्मास्त्र के लिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र के लिए मौनी राय वही जो नागिन, एक सीरियल नहीं आता था नागिन, आप लोग देखे होंगे, उसमें काम करती थी, इस समय जो है क्या है बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। सहायक अभिनेता कौन थे, अनिल कपूर जुगजुग जियो, ठीक है, जुगजुग जियो के में इनको मिला था, ठीक है, जुगजुग जियो में, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या करा, इधर जो है सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर फीमेल में कौन था, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर कौन था, तो सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर जो हमारे थे श्रेया घोषाल ब्रह्मास्त्र के लिए, ठीक है, फीमेल में, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल में कौन था, अरिजीत सिंह थे, कौन थे, अरिजीत सिंह थे। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से बस सुन लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक। आईफा अवार्ड 2023 था, संस्करण कौन सा, 23वां था, ठीक है, कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, दृश्यम थी, ठीक है। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, आलिया भट्ट थी। सहायक अभिनेत्री कौन थी, तो मौनी राय थी, ठीक है। और सहायक अभिनेता कौन थे, अनिल कपूर थे। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर कौन, फीमेल कौन थी, श्रेया घोषाल थी, ठीक है, ब्रह्मास्त्र। और सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल कौन थे, अरिजीत सिंह थे। इतना बस याद करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आईफा में अवार्ड याद करना, मेरे ख्याल से दो बार मैंने बता दिया, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। आ जाइए, इसी तरह से सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। आ जाइए आपकी संसद भवन, संसद भवन के बारे में आज मैं पूरा बता देता हूँ, महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। भारत का नया संसद भवन, ठीक है, यह पहले सबसे चतुष्फलकीय, चतुष्कोणे में बना है, ठीक है, और इसको हम लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। नया संसद को हम लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और पुराने को हम लोग संविधान भवन कहते हैं। अब उसका नाम क्या हो गया, संविधान भवन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, संविधान भवन हो गया, याद रहेगा। भारत का नया संसद को हम लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, पुराने को क्या, संविधान भवन कहते हैं। बैठने की क्षमता इसमें लोकसभा में 888 लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं, ठीक है, 888 लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं, और राज्यसभा में 384, टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 1272 लोग बैठ सकते हैं टोटल, ठीक है, टोटल एक साथ कितने, 1272 लोग, ठीक है। आर्टिकल 79 में हमें संसद दिया है। उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन हमारे देश के माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 28 मई 2023 को। कब किया गया था, 28 मई 2023 को संसद का उद्घाटन किया गया था। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था। एरिया इसका कितना, 64,500 मीटर स्क्वायर में यह एरिया इसका फैला हुआ। पैसा इसके लिए 771 करोड़ लगाया गया था, ठीक है, कितना, 771 करोड़ लगाया था। इसमें पहला बिल कौन सा पारित हुआ है, ये भी बता दीजिए। सबसे फर्स्ट बिल जो पेश किया गया था कौन सा था, और कौन सा अधिनियम था, जो चीज़ें देखिए, अधिनियम एक अलग होता है, बिल अलग होता है, और अधिनियम क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को पता होगा जो बिल था, इसमें 128वां जो है बिल पेश किया गया है, ठीक है, बिल पेश किया गया है 128वें क्रम का, संविधान संशोधन बिल, ठीक है, कौन सा था, 128वें क्रम का था, ठीक है, यह जो है महिला आरक्षण बिल था, 128वें क्रम का था, ठीक है। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अधिनियम तब बनता है जब वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से क्या हो जाए, अनुमोदन मिल जाए और पास हो जाए, तब ये जो जा करके हमारा क्या बनता है, मतलब अधिनियम बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो पास नहीं होता तब तक बिल रहता है। इसका मतलब हमारे जो संसद में 128 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें से 106 सिर्फ क्या बने हैं, एक्ट बने हैं, मतलब अधिनियम बने हैं, ठीक है, इतने क्या हुए, पास हुए हैं, बाकी जो बचे जो वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हो गया इसके बारे में भी। आ जाइए अब, पहला, भारत का पहला
गोल्ड एटीएम, ठीक है, इसको देख लीजिए। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, राजधानी है, ठीक, कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी है, याद रखेंगे आप लोग, तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था, ठीक है, कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था। इसका निर्माण गोल्ड सिक सिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। इसकी क्षमता कितनी है, 5 केजी, उस एटीएम में हम लोग 5 केजी क्या करेंगे, 5 केजी सोना रखेंगे, ठीक है। विकल्प 8 प्रकार के उसमें विकल्प दिए रहेंगे। 0.5 ग्राम आप निकाल सकते हैं उस एटीएम से, या 1 ग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है, 0.5 ग्राम या 1 ग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम या 100 ग्राम आप इतने निकाल सकते हैं, ठीक है, इतने आपके प्रकार दिए रहेंगे, ठीक है। और देश भर में 3000 एटीएम खोले जाने की बात की गई है, ठीक है, पूरे देश में 3000 गोल्ड एटीएम खोलने की बात की गई, लेकिन पहला जो हमारा है वो हैदराबाद के तेलंगाना में, याद हुआ कि नहीं, हैदराबाद के तेलंगाना में। क्षमता कितनी, 5 केजी, 5 किलो सोना, वो भी गोल्ड रहेगा, शुद्ध, किसमें, कैरेट में भी मापते हैं सोने को, ठीक है। चलिए आइए साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। साइक्लोन, अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था बिपरजॉय, ठीक है, बिपरजॉय से भी क्वेश्चन बन सकता है, या किसको किसको प्रभावित किया, अरब सागर में आया था, ठीक है। इसका बिपरजॉय का अर्थ क्या होता, तबाही, बिपरजॉय का अर्थ क्या होता, तबाही। इसका नामांकन बांग्लादेश ने किया था, किसका नामांकन, इसका नामांकन बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से देश कर सकते हैं, जो हिंद महासागर से सीमा साझा करते थे, 8 देश हमारे क्या इसका नामांकन कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, ये नए देश इसमें और जुड़े हैं 2018 से, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और UAE, ये भी जुड़ गए हैं। पहले बांग्लादेश कर सकता था, म्यांमार कर सकता था, थाईलैंड कर सकता था, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और कौन कर सकता था, पाकिस्तान कर सकता था, ठीक। तो बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया बिपरजॉय का, ठीक है। अभी मोचा, मोचा भी आया था जो हमारा म्यांमार को क्या किया था, प्रभावित किया था, ठीक है, म्यांमार में कौन सा आया था, मोचा आया था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एंड कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसका शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है, और वीडियो को एक बार दबा के आप लोग शेयर करिए अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने फ्रेंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह का वीडियो और इसी तरह का करंट पाने के लिए आप हर एक एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।